उनके चेहरे पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं जिन्होंने ये फैसला दिया कि एकदम ईवीएम से चुनाव होंगे, क्योंकि ये जो लूट कर चुनाव जीतने का प्रयास करते थे, लूटने के समय भी हारते रहे, जबरदस्ती चुनाव जीत जाते, इसलिए ये पूरा इंडी गठबंधन के लिए जोरदार तमाचा है। और विशेष तौर पर ये जो लालू जी का परिवार और मुलायम सिंह का परिवार है, यही लुटेरे हैं, यही लोग लूटना चाहते थे। आरजेडी कह रही है दो चरण के बाद बीजेपी डिप्रेशन में है और 400 पार आप लोग को नहीं आना। देखिए, ऐसा दिन आ गया कि राजद के नेताओं को भाजपा के लिए वोट मांगना पड़ रहा था तो इन लोगों का खाता पिछले बार भी नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुल रहा है। एकदम पूरा इंडी गठबंधन साफ होने वाला है बिहार में। और लालू प्रसाद जी जो भ्रम फैलाते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो लालू जी को बताना चाहता हूं, आप अपने परिवार के लिए जीते हैं और मोदी जी पूरे देश के परिवार के लिए जीते हैं। और आपके लिए आरक्षण सिर्फ आपके परिवार के लिए है, मोदी जी के लिए पूरे देश की बहनों के लिए आरक्षण समर्पित है। राहुल गांधी ने कहा है सर कि मोदी जी अब स्टेज पर रोने लगेंगे, देखिएगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर। अरे डबल डिजिट में आए कांग्रेस, यही इसके लिए बड़ी बात होगी राहुल गांधी जी के लिए। जब तक राहुल गांधी जैसा नेतृत्व और लालू प्रसाद जैसा भ्रष्टाचारी दिखता रहेगा, तब तक मोदी जी को 400 पार करने से कौन रोक सकता है।